आपके अपने चैनल में आज हम बात करेंगे नॉर्थ फेसिंग प्लॉट के प्लान के बारे में। हमारे अगले वीडियो में हमने कहा था कि अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लान बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, यह वीडियो उसके अनुसार ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा प्लॉट है जो नॉर्थ फेसिंग है और उसमें कंस्ट्रक्शन एरिया 22x32, 20x35, 30x40, 24x35, 25x40 या फिर 30x45 का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको यह पूरा वीडियो अंत तक देखना है। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन ऑन कर दें। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि यह नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, इसलिए इस प्लॉट की नॉर्थ साइड पर रोड आएगा और घर का मेन गेट भी नॉर्थ की साइड होगा। यह घर का पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है जिसकी साइज मैंने आपको आगे बता दी है। हमने यहाँ घर की फ्रंट साइड यानी कि उत्तर साइड पर 5 फीट की जगह छोड़ी है और पूर्व की साइड पर 3 फीट की और दक्षिण की साइड पर 3 फीट की, लेकिन पश्चिम की साइड पर जगह नहीं छोड़ी है। आप जब भी घर का कंस्ट्रक्शन एरिया तय कीजिए तब इस बात का ध्यान रखें कि आपको घर की पूर्व एवं उत्तर साइड में ज़्यादा जगह छोड़नी है एवं पश्चिम एवं दक्षिण साइड में कम जगह छोड़नी है। आप घर के वायव्य साइड पर छोटा सा गार्डन भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं घर के मेन डोर की। घर का मेन डोर उत्तरमुखी यानी कि नॉर्थ फेसिंग होगा। अब बात करते हैं पूजा घर की, जो घर के ईशान कोने में है। वहां पर आपको उत्तर की वॉल पर खिड़की बनवानी है। घर का मेन डोर ड्राइंग रूम में खुलता है जो घर की पूर्व दिशा की ओर है। ड्राइंग रूम में आप सिट आउट अग्नि कोने में रख सकते हैं और आपको पूर्व की दीवार पर खिड़की बनवानी है जिससे घर में हवा का आवागमन सही तरीके से हो सके। अब बात करते हैं बेडरूम नंबर 1 की, जो घर के वायव्य कोने में है। इसमें आपको बेड साउथ की वॉल पर लगाना है, लेकिन याद रहे बेड आपको किसी भी कोने में नहीं लगाना है, कोने से थोड़ा दूर ही लगाना है। बेड का सिरहाना साउथ की वॉल पर आए इस तरह बेड लगाएं। यहाँ पर आपको उत्तर की साइड पर खिड़की बनवानी है। बेडरूम के पास आपको कॉमन अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवाना है जिसका डोर ड्राइंग रूम में खुलता है। अब बात करते हैं किचन यानी कि रसोई घर की, जिसका डोर ड्राइंग रूम में खुलता है, जो घर के अग्नि कोने में है। किचन में आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म बनवाना है जो साउथ एवं ईस्ट की वॉल पर होगा। यहाँ पर ही आपको ईस्ट एवं साउथ की वॉल पर खिड़कियाँ बनवानी है और आपको गैस का चूल्हा पूर्व की ओर रखना है जिससे रसोई बनाते वक्त मुंह पूर्व की ओर रहे, जो बिल्कुल वास्तु के अनुसार है। किचन के पास आपको स्टेयर यानी कि सीढ़ियां बनवानी है। अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम यानी कि मुख्य शयन कक्ष, जिसका डोर ड्राइंग रूम में खुलता है और जो स्टेयर के पास है और जो घर के नैऋत्य कोने में है। इस बेडरूम में आपको बेड साउथ की वॉल पर लगाना है, लेकिन किसी कोने में नहीं लगाना है, बीच में लगाना है। बेड का सिरहाना साउथ की वॉल पर आए इस तरह लगाए। यहाँ पर आपको साउथ की वॉल पर खिड़की बनवानी है। मुख्य शयन कक्ष यानी कि मेन बेडरूम के वायव्य कोने में आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवाना है। तो फ्रेंड्स, यह पूरा प्लान है। आशा करती हूँ आपको हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।